अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। हाथ आगे कीजिए। वैसे तो आपको स्टिचेस की जरूरत है, पर फिलहाल इससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्या हुआ, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं तो, I'm sorry. पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। थैंक्स। हमारी नानी कहती थी कि बैंडेज करने से जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन सिर्फ बैंडेज काफी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ता है। जैसे? शायद आपको ये बचकाना लगे, पर आप बताइए तो सही, शायद मुझे बचकाना ना लगे। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। हेलो, आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ, आई विल कॉल यू। बाय बाय बाय। दीदी आप भी ना, देखो कितनी पसीना पसीना हो गई हो, लो पानी पियो। छवि, अमीरों और गरीबों में ये इतना फासला क्यों होता है? क्यों इतना फर्क है? दीदी, सब अमीर लोग वैसे ही होते हैं जैसे गरीब लोग होते हैं। फर्क पता है किस चीज का है? परफ्यूम्स, सैंडल्स, स्पास, कार्स, मोबाइल फोन्स। अमीरों और गरीबों के बीच में सिर्फ सामान और फैसिलिटीज का फर्क है, और ये फर्क सिर्फ आपकी बहन जानती है। वादा करती हूँ, आज 31 मार्च को 2008 कि जब मैं शादी करूंगी ना, तो किसी अमीर मिलियनेयर से करूंगी, और फिर आप सबको शॉपिंग पे लेके जाऊंगी पेरिस। फिर हमारे पास वो सब कुछ होगा। प्यार भी? बाय गॉड, मेरी प्यारी और भोली दीदी। आजकल तो प्यार भी ऐसे ही मिल जाता है, पर सही चुटकी बजानी आनी चाहिए जैसे मुझे आती है। जब हम छोटे थे और हमें चोट लग जाती थी, हमारी नानी हमें बैंडेज करती और उसे चूमती। वो कहती थी ऐसा करने से सारी बलाएं दूर रहती हैं। क्या सचमुच फर्क पड़ता है? जादू होता है, ऐसा लगता था जैसे कोई भी बला हमें छू ही नहीं सकती। तो ठीक है, बलाओं से कौन दूर नहीं रहना चाहता, पर अगर बुजुर्गों ने कहा है तो सच ही कहा होगा। आप हमें कॉन्शियस कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं।
भलाएं टली के नहीं पता नहीं, लेकिन जादू तो हो रहा है। खैर, बलाओं की बात छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि वो गुंडे टाइप के लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? हमें मारने और अनाथालय को हासिल करने। तुम्हारे पापा वकील से मिलने जा रहे हैं, शायद वसीयत के लिए। Until today, you have been losing in all your games. लेकिन अब जीतना सीखो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि वसीयत में क्या हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खेल खेलते रह जाएं। और सब उस आशु को मिल जाए। नहीं माँ, मैं भी ऋषभ मेहरा का बेटा हूँ, हर हाल में जीतना चाहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। चाल चलने नहीं आती तो क्या हुआ, गेम सेट करना मैं अच्छे से जानता हूँ। किस मोहरे को कहाँ सेट करना है ये तो मेरे ही हाथ में है ना। इस बार मैं हर मोहरे को ऐसे सेट करूंगा कि एक ही बार में चेक एंड मेट। अनाथालय बोर्ड में हम एक ही वो ट्रस्टी हैं जो अनाथालय की जमीन को उस बिल्डर के हवाले नहीं करना चाहते। हमने नानी से पहले भी कहा था कि हमें ट्रस्ट में अपनी जगह ना दें। हमें पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, फिर हम अपनी जिद पर अड़ जाएंगे और सबको तकलीफ होगी। हमने उस अनाथालय को बचपन से देखा है, अपनी नानी को उसे बसाते हुए देखा है आशु जी, फिर हम कैसे उस अनाथालय की जमीन पर उस बिल्डर को मॉल बनाने की इजाजत दे दें? अगर आप बताती नहीं तो मैं कभी नहीं सोच पाता कि आप जिद्दी हैं। आप हमारे बारे में जानते ही कितना है कि आप इतना सब सोच पाए। राइट, ये पॉइंट तो है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में। वैसे भी मुझे लगता है रात तो यहीं कटने वाली है। और मैं तो यहाँ से पक्का बाहर नहीं जाऊंगी। आप टॉपिक मत बदलिए, कम ऑन बताइए कुछ अपने बारे में, जो आप बताना चाहें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम सॉरी, खाली पेट हमसे पर्सनल डिटेल्स नहीं बताई जाएंगी। ये प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो सकता है क्योंकि हम किचन में ही हैं। आपको कुकिंग आती है? हमें नहीं आती। अमेरिकन यूनिवर्सिटी आपको दो चीजें तो सिखा ही देती है, एक कारजैकिंग से बचना और दूसरा सैंडविचेस बनाना। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट सैंडविचेस बनाता हूँ। तो चलिए आप फ्रिज से ब्रेड निकालिए जल्दी से। अभी लाई। थैंक यू। इस वक्त आप विक्टोरिया में हैं मैम, और विक्टोरिया जाना जाता है अपने फाइनेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंसेस के लिए। हम लोग जो कुछ भी करते हैं थोड़ा स्टाइल में करते हैं। Now, you can have the sandwich. Mm,
ये तो बहुत अच्छा है। Really? ये विक्टोरियाज है, द फाइनेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस इन द सिटी। यहाँ पर खाना शेयर नहीं करते। ओके। हम जानते हैं हम आप पर बोझ बन रहे हैं, पर आज रात क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? महक, मैं समझता हूँ, तुम यहाँ रह सकती हो, ओके? डोंट वरी। अब मैं वो सैंडविच खा सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। आई एम प्रीटी गुड। मेरे दोस्त मुझसे झूठ नहीं कहते थे। महक, आई होप तुम यहाँ कंफर्टेबल हो। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, बस जब तक हम सो नहीं जाते आप प्लीज यहीं रहिएगा। ऑफ कोर्स। ओह गॉड। इससे पहले कि हम कुछ अपने बारे में कहें, आप अपने बारे में कुछ, अगर आप चाहें तो। यार अगर मैं ना चाहूं तो? तो हम उन गुंडों की तरह आपके पीछे चाकू लेके नहीं भागेंगे। ओके। एक लड़की थी अनु, आई मीन है, मैं उससे बहुत प्यार करता था। बस ये मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। I'm sorry। कोई बात नहीं, आपने इतना कुछ कह दिया, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हारा भाई बहुत कमीना है, सही वक्त पर भेजा है मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारे घायल दिल पे अपने प्यार के मरहम का जादू चलाने के लिए। Anyway, अब कुछ तुम्हारे बारे में। हमारे बारे में? सबसे पहले तो हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। 4 साल के थे तब से लगता है ये डर, और शायद हमेशा लगेगा जब तक कि कोई निगरानी करने वाला ना आ जाए। Relax. मजाक करो। बाबा जी,
पापा जी की रक्षा करना। आज आशु सर के आते ही मुझे अपना रेजिग्नेशन वापस लेना होगा। आशु मेहरा मेरे पकड़ में आ चुका है। दूरी बहुत कम हो गई है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये क्या है? आशु सर ऑफिस आ गए, वो भी इतनी सुबह।